खबर तीनों रात हम लोग ठंडियानी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम तीनों को बहुत जोर का सुसू आया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। इधर फिर से ये वाली शक्ल और वो बैठी हुई शक्लें, ठीक है, और ये वाली शक्ल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हम कल आ गए थे मुजफ्फराबाद और अब हम लोग मुजफ्फराबाद से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? नथे के लिए जा रहे हैं। क्या किया तूने? क्या वो सामान बुरा नहीं आ रहा? आपने सामान की ज्यादती कर दी। मैंने सामान से ज्यादती किया, अल्लाह माफ करे। मुझे खबर तीनों रात, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा प्लान फाइनल होता है, डन होता है, लेकिन कभी भी उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एप्टा हम नथेगर ही जा रहे हैं, लेकिन अब हम नथेगर ही नहीं जा रहे, हम एप्टाबाद जा रहे हैं। और एप्टाबाद वैसे भी हमें पहले एप्टाबाद जाना पड़ता, वहाँ से हम नथेगर जाते, तो उन्होंने कहा है आप एप्टाबाद चलो, वहाँ चल के अब देखते हैं कि ठंडियानी जाते हैं या नथेगर जाते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साथ शेख साहब बैठे हैं, पीछे ये कुरिया साहब बैठे हैं। बारिश हो रही है पर, और ऊपर बारिश हो रही है, बंदा गीला हो रही है, नजर तो रही है, गीला हो गया है। अरे सामने की बाइक भी गीला हो गया है। अच्छा अच्छा, यार रास्ते में बारिश भी आई है और बारिश के बाद आप सीन देखें, सब कोई झुल झुला के, और कितना प्यारा मौसम है, चेक करें। अभी यहाँ ना बादल भी थे, तो वो जैसे मैंने कैमरा खोला है बादल गायब हो गए हैं। वेरी गुड सीन हो गया, कैमरा वाला रेस लगा रहे हैं, रेस लगाओ। मौजूद खबर तीनों रात हम लोग एप्टाबाद पहुंच चुके हैं। गुरेज साहब को पता नहीं किसी का चत्ता आ चुका है, यार बड़ी शदीद ना भूख लग रही है, तो हम लोग रुके हैं जरा KFC में रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। बाकी गाड़ियां, पापा वाली गाड़ी, अंकल वाली गाड़ी, लोग ना जरा पीछे हैं, अभी पहले हम अभी आगे आ गए हैं। हमने कहा जब तक वो लोग आएंगे हम लोग कुछ खा पी लें, तो अभी यहाँ से ना कुछ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। प्लान नथे गली का था, नथे गली से अब ठंडियानी का प्लान हो गया। हम लोगों ने ना यहाँ से ठंडियानी स्टेडियम, और मेरे से ना गलती से एक मिस्टेक हुई है, मैं लेडीज वॉशरूम में चला गया था। असल में यार यहाँ पे लिखा खड़ा है, अब कोई छोटा सा मुझे नजर ही नहीं आया, और मैं यहाँ से लेडीज वॉशरूम में घुस गया था। वहाँ जाके याद आया कि भाई जेंट्स वॉशरूम में जाना है। शेख साहब लगो यार, शेख इस पर अगर टूट के गिर जाएगा बोतल पीने की तैयारी में फुल टाइम हैवी। शेख साहब एथिक्स के अंदर में पैप को पैप पैप कहता कहता स्ट्रा दे दे भाई उसको पैप की समझ नहीं आई, मुझे इसको नहीं आई। अच्छा अच्छा चलो, वी आर ऑन द वे फ्रॉम एप्टाबाद टू ठंडियानी, और आप सीन चेक करें। मुझे तो लग रहा था क्योंकि यार हम इतनी खूबसूरत जगह देख कर आए हैं, इतनी खूबसूरत पॉइंट्स, टॉप बर्ड वगैरह था, तो मैंने कहा यार हमें ये पसंद नहीं आएंगे। लेकिन मुझे खबर तीनों रात आप यहाँ का मौसम चेक करें, इसी के साथ साथ हमारा दिल एक दफा फिर से खुशगवार हो गया, गार्डन हो गया, लबे शेरी सा हो गया है, और कराची का साहिल समंदर हो गया। हम लोग ठंडियानी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम तीनों को बहुत जोर का सुसू आया है, तो सुसू के लिए हम सब भागते हुए। यार जितना तेज चलोगे उतना तेज आएगा, जितना स्लो चलोगे उतना स्लो आएगा। अच्छा,
हमारी गाड़ी छोड़ के और बाकी दोनों गाड़ियों के ना चलान हुआ है ब्लैक पेपर्स पे, क्योंकि टिनेट्स हुए हैं दोनों गाड़ियों के ना, तीनों के। तो बाकी दो को चलान हुआ लेकिन हमारी गाड़ी का चलान नहीं हुआ। तो अब उनकी ना इस बात पर बहस चल रही है कि भाई उन दोनों लोगों ने अपने कार्ड्स वगैरह भी दिखाए हैं लेकिन उन लोगों का चलान फिर भी हुआ। हम लोग तो वार्डन वाले से रास्ता पूछ पूछ के आए हैं कि ठंडियानी कहाँ गया, लेकिन उन्होंने हमारा चलान नहीं किया। एक तरफ से वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोगों का नहीं हुआ, और दूसरी एक दूसरे की ना इज्जत अफजाई कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। क्या ठंडियानी टॉप है, उससे पूछा ठंडियानी जाओगे, उसने कहा हाँ ठंडियानी में क्या है। मैंने कहा यार फिर भी, उसके पापा ने कहा यार बहुत अच्छी जगह है, आप जब ठंडियानी खड़े होंगे ना तो ठंडियानी वाले से पूछोगे भाई जान ठंडियानी कहाँ है, वो क्या कहेंगे यार यही ठंडियानी है। गाड़ी ठंडियानी से होके होपफुली आज हम एबटाबाद में स्टे करेंगे। हमारी गाड़ी के ना प्रीमियो के ना डिस्के है ना यार ये गर्म हो गई है एकदम से ना, जो ब्रेक पैडल होता है ना वो फ्री हो गया था बिल्कुल, मतलब मैं गाड़ी हमारी ढलवान में थी और एकदम से ना बिल्कुल ब्रेक्स ख़त्म हो गई थी। तो मैंने वही मैकेनिक से पूछा कॉल करके, तो उसने कहा यार आज को थोड़ी देर ना खड़ा दो, क्योंकि मैंने इसका ब्रेक ऑयल वगैरह चेक किया है अभी तो वो तो पूरी है हर चीज़। तो उसने कहा आप थोड़ी देर गाड़ी को खड़ा दो साइड पे, ठीक है कुछ देर गाड़ी खड़ी रहेगी ना तो डिस्क ठंडी हो जाएंगी, डिस्क ठंडी होने के बाद फिर आप लोग अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर रुके हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो मैंने ब्रेक चेक किए हैं तो पैडल उसका हार्ड हो रहा है इससे, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, टेंशन हो रही थी। रिस्क मैंने इसलिए नहीं लिया, चली तो गाड़ी जाती वैसे मैंने, क्योंकि पहाड़ी इलाका है यार जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता, क्यों रिस्क लें। ओवरऑल व्यू चेक करें आप, मैं कहता हूँ क्या बात है खूबसूरत, अच्छा है। यहाँ मस्जिद भी है, बड़ी मस्जिद के साथ ही हम लोग रुके हुए हैं, कुरेशी और इब्राहिम खड़े हुए हैं। तो बस जाते हैं नीचे जाते हैं, दोस्त वगैरह वेट कर रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी ना थोड़ी देर में अगर ठीक होती है ना, जैसे जैसे ठीक होती है तो हम नीचे जाते हैं। फिर एबटाबाद पहुँच गए हैं, एबटाबाद के होटल का रूम देखने के लिए जा रहे हैं, रूम बुक हो चुका है, जैसा भी होकर रहना पड़ेगा क्योंकि अब ये बुक हो चुका है, मसला इस दिस उम्मीद अच्छा ही होगा, पता नहीं है कौन सा ये वन है। What the hell is wrong with this room? I like this room. I love this room. And I will, inshallah, destroy this room. गाइज हम होटल आ गए थे ना, तो होटल के बाहर बस अभी गाड़ियाँ सेट होकर खड़ा रहे हैं, वो खड़ी है कि खड़ी है, और एक शेख ये गाड़ी गाड़ी सेट कर रहा है क्योंकि जगह कंजस्टेड है होटल के बाहर पार्किंग की, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो उसने लेकिन हमारी गाड़ी अपने होटल के बाहर ही खड़वाई, और उसने कहा यार भाईजान बस मेहरबानी करो थोड़ी सेट कर दो, हमने कहा सर हाजिर, और बस यार ये गाड़ी सेट कर दी है और बस मैं ना खाना खाने जा रहा हूँ। कपड़े मैंने चेंज नहीं किए यार, गाड़ी डिग्गी में से कौन बैग खोए कौन शर्ट निकाले, मैंने नहा के फिर से यही पहन लिया चुप करके, बस अब खाना खाने जा रहा हूँ। ये सब में वो शेरवानी बन मटन चिकन, ये भी चिकन मटन चिकन और चिकन, ये भी मटन, ये भी शेरवानी क्या प्लान है, ये क्या ये वाली वाली वाली, कितनी देर लगेगी इसको बनते बनते? ये 10-15 मिनट। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। गाइज मेरे से सब्र नहीं हो रहा, तो मैंने कहा जाके पूछ लिया हूँ कि हमारा खाना कौन सा है और ये कितनी देर में बनेगा। 15 से 20 मिनट हैं अभी, भूख लग रही है, भूख 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 भूख। ये आ गई है जी यहाँ की शिनवारी, कहते हैं शिनवारी, वही वही बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, इसको अभी हम खाएंगे। गाइज हम लोग आए हैं सबवे, ज़रा सा ना चाय शाय पीने के लिए, और देखें इधर एक भाई बैठा हुआ है, ये तो सो रहा है, तो अभी पता नहीं कि हमने उसकी नींद डिस्टर्ब कर दी है या पता नहीं खुला भी है या नहीं खुला, तो वो तो अब अंदर जा के ही पता चलेगा। सर आए हैं, सर आए, आ जाए आ जाए आ जाए। गाइस फाइनली होटल वापस आ चुके हैं, दो तकियों की ज़रूरत थी तो वो भी लेके जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइस मैं सब सोता हूँ यार, अब रेस्ट करता हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जल्दी क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका दिल हो तो।
अपना ख्याल रखिएगा भाई, को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।